साल 1931 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में यूनिस परवेज खान का जन्म होता है और आने वाले समय में ये हिंदी सिनेमा के साथ इस कदर जुड़ जाते हैं जिनकी अदायगी आज भी तरोताजा है। बात करना चाहेंगे बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेताओं में से एक यूनिस परवेज खान के बारे में, जिन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर हिंदी सिनेमा की कई सारी बड़ी फिल्मों में नजर आए। पर्सनल लाइफ की बात करें तो यूनिस परवेज खान के पिता यूपी पुलिस में नौकरी किया करते थे, लिहाजा इनकी पढ़ाई और इनकी शुरुआती जीवन उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग शहरों में बीता। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद यूनिस परवेज खान पहुंचे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही थी जहां रंगमंच की दुनिया से इनका जुड़ाव होने लगा, या यूं कहें कि एक्टिंग के कीड़े ने इन्हें काट लिया। बताया जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद यूनिस परवेज खान पीएचडी की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने इन्हें दिल्ली बुलाया और उन्हें इस दौर के महान लेखक दीवान वीरेंद्रनाथ से मिलवाया। दीवान वीरेंद्रनाथ अभिनेता कबीर बेदी के चाचा थे। दीवान वीरेंद्रनाथ ही एक दफा यूनिस परवेज को अपने साथ दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ले गए थे। उस दौरान रूसी दूतावास में एक पार्टी थी जिसमें भारतीय रंगमंच पर चर्चा भी चल रही थी। अब इस तरह आप भी कह सकते हैं कि यूनिस परवेज खान को किस्मत कहां लेकर जाने वाली थी। बताया जाता है कि उसी पार्टी में इनकी मुलाकात बेगम कुदसिया जैदी और हबीब तनवीर से हुई, जो उस दौर के दिग्गज रंगकर्मी माने जाते थे। बताया जाता है कि इसी पार्टी में ये मायम आर्टिस्ट इरशाद पंजतन से और लेखक और कवि नियाज हैदर से भी मिले। ये लोग यूनिस परवेज के नाम से ही अच्छी तरीके से वाकिफ थे, क्योंकि इसी साल ही यूनिस परवेज को उत्तर प्रदेश के बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था और आने वाले समय में वो हिंदुस्तानी थिएटर से जुड़े। बताया जाता है कि हिंदुस्तानी थिएटर की बुनियाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से रखी गई थी। इस थिएटर से यूनिस परवेज तकरीबन 4 सालों तक जुड़े रहे। अब यूनिस परवेज खान धीरे धीरे अपना पैर पसार रहे थे। तभी साल 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तब हिंदुस्तानी थिएटर बिखरना शुरू हो गया। और इसी दौरान जब 44 साल की उम्र में बेगम कुदसिया जैदी का हार्ट अटैक से अचानक निधन हुआ, तब हिंदुस्तानी थिएटर पूरी तरीके से बंद हो गया। बताया जाता है कि यूनिस परवेज जब मुंबई में रंगमंच की दुनिया में मशहूर होने लगे तो फिल्मी दुनिया वालों की इन पर नजर पड़ी। इन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना शुरू हो गए और साल 1963 में इन्होंने कण कण में भगवान नाम की धार्मिक फिल्म से अपना डेब्यू कर लिया। इसके बाद उन्होंने साल 1965 में सहेली और भरत मिलाप में भी काम किया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने दौर के कई सारे दिग्गज कलाकारों के साथ ये बड़ी बड़ी फिल्मों में हिस्सा बनने लगे और बतौर सपोर्टिंग एक्टर अपनी अमीट छाप छोड़ते रहे। आने वाले समय में बड़ी व हिट फिल्में यूनिस खान की झोली में आती गई और वो कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छूने लगे। बताया जाता है कि यूनिस परवेज ने करीब 20 साल तक इंडस्ट्री में अपनी अमीट छाप छोड़ी और ये उनके गोल्डन पीरियड थे। साल 1975 से लेकर 1995 तक उनका राज इंडस्ट्री में देखने को मिला और इस दौरान वो कई सारी बड़ी व हिट फिल्मों का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और कई तरह के रोल निभाए। अमिताभ बच्चन की लगभग हर दूसरी फिल्म में यूनिस परवेज नजर आ ही जाते थे। हालांकि फिल्मों में नाम कमाने के बाद इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। यूनिस परवेज को राजनीति में भी काफी दिलचस्पी हुआ करती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने छात्र जीवन के दौरान भी ये कॉलेज राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव थे और साल 1984 में जब सुनील दत्त ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तो उन्होंने यूनिस परवेज को भी कांग्रेस सदस्यता दिला दी और इस दौरान वो सुनील दत्त के लिए चुनाव प्रचार भी करने लगे। लेकिन बाद में इन्होंने किन्हीं कारण से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और फिर ये समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने। बताया जाता है कि साल 1998 में ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर दिल्ली की एक लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े, लेकिन बदकिस्मती से ये हार गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ यूनिस परवेज को कई सारी बीमारियों ने भी घेर लिया था और इनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। डायबिटीज जिसने इन्हें पूरी तरीके से बेकार कर दिया था और इनका बढ़ता वजन भी इनके लिए जी का जंजाल बन गया और आखिरकार 11 फरवरी 2007 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 71 साल की उम्र में इनका निधन हो गया।